निषाद कॉलोनी में पीटीआई रहनुमा अदनान मिर्जा की जानिब से पार्टी की मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर सीमी बुखारी के एजाज में जोहराना सियासी अखट बन गया। NX 131 से पीटीआई के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान, हामिद खान और दीगर कारकुन शरीक हुए। कारकुनों से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि NA 131 का इलेक्शन मुश्किल जरूर है, लेकिन कारकुनान की हिमायत से ये नशिस्त जीत कर वजीर आजम को तोहफा देंगे। हम सब का ये फर्ज है कि अगले एक महीने दिन रात एक करें। खवातीन औरत हमारी इज्जत का मामला बन गया है। ये सीट हमने 24 घंटे काम करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वापस पेश करनी है, ये उनकी अमानत है, उनकी सीट है। सीनियर रहनुमा एडवोकेट हामिद खान ने कारकुनान से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। सख्त मुकाबला होगा और इंशाल्लाह मैं अपने तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनान और साथियों को यही अपील करूंगा कि पूरी मेहनत करके जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है इस हलके उसको कामयाब कराएं। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सीमी बुखारी ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। सबसे ज्यादा हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, हम सब लोग उनको अपने आगे देखते हुए उन्हीं पे काम करेंगे। और इसके अलावा बच्चों के स्कूल नहीं है, मेरे इलाके बच्चियों के स्कूल नहीं है, इन सब पे हमने काम करना है। टाइम हमारे पास है, अभी 100 दिन का प्लान तो पहले हमने तैयार किया है और आहिस्ता आहिस्ता देखेगा विद इन अ ईयर आपको नजर आएगा कि तब्दीली हो रही है। जोहराने में पार्टी रहनुमा साद का आपा सरवत गौहर, हुमा अली शाह और दीगर ने मुस्तकबिल में रहनुमाओं के कदम ब कदम चलने के अजम का आदा किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।